जी फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा मेरा मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा यार चलो आज खुद ही कुछ ना कुछ मीठा ट्राई किया जाए बनाने का। तो फिर मैंने देखा यार कुछ ऐसा हो जो सिंपल भी हो और बन भी अच्छे तरीके से जाए, मतलब कि ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो हमारा उस पर। तो फिर मेरे घर पे कुछ गुड़ पड़ा हुआ था और चने पड़े हुए थे थोड़े से, तो सोचा कि चलो आज जो है ना गुड़ को और चने को मिलाकर कुछ हल्का सा क्रंची और मीठा टाइप बनाया जाए। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि ये कैसे बनाता हूँ मैं। और हमेशा मैं बनाते रहता हूँ घर पे खुद ही, और बस ऐसे ही कभी कभी मूड हो घर पे खाने का कुछ तो इसलिए। जी तो फिर सबसे पहले आपने इसको गुड़ के जो है ना हिस्से कर लेने हैं, छोटा छोटा इसको तोड़ लेना है। उसके बाद आपने फ्राई पैन रख कर इसको जो है ना अच्छे से पकाना है, और इसमें मज़ीद चमचा हिलाते रहिएगा कि ये नीचे से चिपके भी नहीं और मज़ीद ये अच्छे तरीके से हल भी हो जाए। तो उसका ये होता है कि अच्छी सी बीच में मिक्सचर हो जाता है और मज़े की बनता है ये। तो मज़ीद इसमें हिलाते रहें, ये देखें इसका पेस्ट, गाढ़ा पेस्ट बनना तैयार हो गया है। और इसको मज़ीद हिलाते रहें ताकि इसके बीच में जो छोटे छोटे गुड़ के दाने वगैरह बच जाते हैं वो भी ना बचें। ये देखें तकरीबन ये मिक्स हो चुका है अब हमारे पास, पर हम इसको फिर भी थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा पतला हो जाए, ताकि जब हम इसके बीच में चने वगैरह डालें तो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें और मीठा अच्छा बने हमारा। तो ये तकरीबन ये देखें इसके बीच में जो छोटे छोटे दाने हैं मैं उनको भी अच्छे तरीके से तोड़ रहा हूँ, और मैं अक्सर तकरीबन घर पे बनाता रहता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे ख़ुद भी कुकिंग वगैरह करना। तो ये देखें अब ये थोड़ा बहुत जो है ना नीचे से ब्राउनिश भी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो हमने चने निकाल के साफ़ करके रखे थे, चनों को आप ऊपर से छिलका ना उतारें, क्योंकि अगर वो छिलका उतर जाता है तो फिर वो उसकी क्रंचनेस ख़त्म हो जाती है। देखें अब हम इसके बीच में हमने तकरीबन 1 कप चना था उसको हमने बीच में डालकर इसके बीच में अच्छे तरीके से भून लेना है। और ये भुने हुए चने हैं, कच्चे नहीं हैं, क्योंकि अगर कच्चे चने होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कच्चे चने को पकते हुए और मज़ीद टाइम लगेगा। तो भुने हुए चनों को आपने गुड़ के पेस्ट के बीच में डालकर थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है, अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि बीच में सब मिक्स हो जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। फ़िलहाल सर्दी है और इस वजह से मैं कहीं आगे पीछे जा नहीं पा रहा, और मैं जॉब भी करता हूँ तो इस वजह से, वरना मैं आपको यहाँ कराची शहर की अच्छी अच्छी जगह दिखाता, घुमाता फिराता, और बल्कि कराची से ज़्यादा सिंध खूबसूरत है मेरे लिहाज से। कराची की जो शोर और जो आबादी है वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आती, मैं सिंध में सुकून वाले शहर में रहना पसंद ज़्यादा करता हूँ। और ये देखें ये तकरीबन हमारा मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसको किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि किसी शॉपर के ऊपर या ऐसी चीज़ पर निकालिएगा जिसके साथ ये चिपके नहीं आपस में। तो हम अब इसको जो है ना मैंने एक खुले बर्तन में शॉपर के बीच में हमने इसको शॉपर नीचे रख के और इसको हमने बाहर निकाल लिया था, और फिर इसको मज़ीद हम ठंडा करके, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो बचपन में हम खाते थे मरुंडा टाइप, तो ये वैसे मरुंडा टाइप बन जाएगा। ये देखें मैंने खुले बर्तन के बीच में नीचे शॉपर रख ली, और ये देखें ये हमारा मरुंडा टाइप बनकर तैयार हो चुका है, और ये खाने में सच में बहुत मज़े का होता है। और ये अभी भी थोड़ा हल्का फुल्का गर्म था तो मैंने कहा चलें फिर भी आपको वीडियो बना के दिखाऊं। ये देखें बहुत ही मज़े का मज़ा आ गया इसको खाकर, तो सच में आप भी ट्राई कीजिएगा लाजमी।